हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज हम लेके आए हैं समर्स का वेट लॉस डाइट चार्ट 2023 टू लूज मैक्सिमम वेट इन वन मंथ। सो पॉइंट इज कि समर्स के आते सबसे मेजर एंड मैसिव इश्यूज जो आते हैं बॉडी के अंदर, वो होता है हीट स्ट्रोक खाना या फिर सर गर्म हो जाना, बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाना और एकदम स्वेल्ड रहना। स्वेटिंग आती है तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आना और एकदम से बुखार चढ़ जाना। एंड सबसे बैड चीज़ जो होती है ना समर्स में, कुछ भी ठंडा ठंडा दे दो ताकि ना एक जंप करके हम एकदम से पानी पी लेते हैं, चिल्ड एकदम ठंडा पानी। बाहर से जैसे ही हम धूप से अंदर आते हैं और उससे सर्द गर्म होना और बिल्कुल बीमार पड़ जाना। आज की वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी न्यू रेसिपीज लाई हूँ जो कि समर्स के अकॉर्डिंग है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ईजी है बनाने में एंड आपको वेट लॉस तो देगी देगी, साथ में प्रोटीन रिच भी हैं एंड फाइबर भी इसके अंदर बहुत सारा है। एंड समर्स के अकॉर्डिंग की रेसिपीज़ है जो कि हम चिल्ड एंड ठंडी खा सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये कोई भी बना सकता है, मतलब एनी पर्सन। बहुत ही सिंपल है बनाने में, बहुत ही ईजी है बनाने में एंड सबसे अच्छी चीज़ है एंड बहुत ही क्विक रेसिपीज़ है। जितनी भी डाइट्स, जितनी भी सैलड्स, जो भी चीज़ें, जो भी सैंडविचेस मैं आपको अभी दिखाऊंगी, आप क्विक एंड फ्रेश ही बनाना, बिल्कुल फ्रेश बनाना। ये नहीं कि दो दिन पहले बना के रख दिया, तीन दिन पहले बना के रख दिया, इस तरीके से मत करना। समर्स है, इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एंड उसके साथ साथ बैक्टीरिया पड़ने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट बात हम यहाँ पे करते हैं कि जो सैलड्स हैं या जो भी सब्जियाँ, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, उन सबको आप पहले गर्म पानी से वॉश करना, उसके बाद आप टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन करना, उसके बाद ही आप इसको यूज़ करना। नेक्स्ट, वेट लॉस के लिए कुछ फ्यू टिप्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं 7 ईयर्स से यहाँ पे बोलती आ रही हूँ। सो नंबर 1 चीज़, आपको डेली का अपना वेट चेक करना है एवरी डे इन द मॉर्निंग। सुबह उठ के अगर आपको बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन रह रहा है और बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग है, गर्मी फील हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बट यू नो डर के आगे जीत है, हम अपना वेट चेक करेंगे। सुबह उठ के अगर आपको बाउल मूवमेंट्स क्लियर हुए देन वेरी गुड, नहीं हो रहे हैं जस्ट पास योर यूरिन, रिमूव योर क्लोथ्स एंड चेक योर वेट ऑन अ डिजिटल वेइंग मशीन एंड उसको आप कहीं पे एक नोट डाउन करके लिखो कि मेरा आज सुबह का वजन इतना आया है। नेक्स्ट, आपका स्लीप जो है वो 7 to 8 hours का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक में स्लीप नहीं लेंगे, एक झटके में नींद लेना बहुत ज़रूरी है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका वाटर इंटेक, पानी का जो इंटेक होगा एटलीस्ट 3 to 4 liters का रहेगा। अच्छे से सिप सिप करके हम पानी पियेंगे, एक झटके में पानी नहीं पियेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी मेंटल हेल्थ पे हम पूरा पूरा काम करेंगे। जितनी भी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ खराब करती है, जितने भी लोग आपके मेंटल हेल्थ खराब करते हैं, आपने उन सबको टाटा बाय बाय करके अवॉइड करना है एंड फोकस ऑन योर वेट लॉस जर्नी। मेक श्योर कि 1 से 2 महीने के अंदर आप स्लीवलेस पहनने लायक हो जाओ, आप क्रॉप टॉप पहनने लायक हो जाओ, आप साड़ी पहनने लायक हो जाओ, या फिर आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाए, आपकी स्किन अच्छी इतनी अच्छी हो जाए, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएं। समर्स के अंदर जो सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ आती है ना, स्वेटिंग की वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप अगर क्रैश डाइट पर जाते तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। बालों का सबसे अच्छा ध्यान रखना है, मेरे दूसरे चैनल पर मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सेल्फ केयर एंड एवरीथिंग, सो वहाँ पर मैं बहुत सारे बालों की केयर का आपको साथ शेयर करूँगी। बट यहाँ पर मेक श्योर आप ये फ्यू टिप्स अपने साथ लेके चलो, उससे आपकी बहुत सारी चीज़ों पे वर्क होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी चेंज होंगी। सो अब हम बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक की एंड मॉर्निंग ड्रिंक का जो टाइम होगा वो होगा 7 to 7:30 के बीच में। और मॉर्निंग ड्रिंक हम इस डाइट के साथ लेंगे कुकम्बर का जूस, खीरे का जूस, इतना छोटा सा खीरे का शॉर्ट जूस का। कैसे बनाना है चलते हैं किचन में। आ जाओ जी, सबसे पहले हम बना रहे हैं मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक के लिए यहाँ पे मेरे पास है जूसर, ये रहे 2 खीरे। चलो जूस, हमारा जूस खीरों का एंड दिस इज रेडी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। सो ब्रेकफास्ट के अंदर हम लेंगे हमारा कोल्ड सैंडविच, वेजिटेबल्स का कलरफुल कोल्ड सैंडविच, ठंडा सैंडविच। और ये जो सैंडविच है बहुत ही ईजी है बनाना। टाइमिंग क्या रहेगी ब्रेकफास्ट की, 8 to 8:30 या फिर मैक्सिमम 9 बजे तक अपने ब्रेकफास्ट को स्ट्रेच करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। यानी कि 10 बजे नाश्ता हो रहा है, 10:30 बजे नाश्ता हो रहा है, 11 बजे नाश्ता हो रहा है, जी नाश्ता तो वही कर रहे हैं जी, फिर डाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो कोल्ड सैंडविच कैसे बनाना है चलते हैं किचन में। हम बनाने जा रहे हैं कोल्ड सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट। सबसे पहले मेरे पास है गाजर, ये ली मैंने गाजर, यहाँ पे कद्दूकस की हुई गाजर है आधी, मतलब 4 ब्रेड के 2 सैंडविच बन जाएंगे इससे, बहुत इजी। नेक्स्ट मेरे पास है पत्ता गोभी, ये फार्म से आई है हमारे पास पत्ता गोभी, है ना, ताज़ी उगी हुई, ये डाल दी पत्ता गोभी। नेक्स्ट मेरे पास है खीरे, बेटा वो दे दे मेरे को चम्मच खीरा। नेक्स्ट थोड़े से प्याज, खूब अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे हम।
नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमारे पास है घर की मलाई। सन्ना ने रात को हमारे मिल्क जो था वो बहुत अच्छे से बॉईल कर दिया था, सुबह तक ये इतनी थिक मलाई हमारे पास आ गई। अब इसके हम डालेंगे यहाँ पे 3 चम्मच जितनी हमने डाली है होममेड हमारी मलाई। बढ़िया, सबको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ठंडी ठंडी मलाई डाली है हमने इसमें। नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, सूखा धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। सबको खूब अच्छे से हम करते हैं मिक्स। परफेक्ट, अब हम बनाएंगे इसका सैंडविच। नेक्स्ट ये रहे मेरे पास ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस, ये मेरे पास 4 ब्रेड है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम डालेंगे पानी ब्रेड्स के ऊपर, हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला। नेक्स्ट ये जो हमारा मिक्सचर है ये हम यहाँ पे लगाएंगे। आप चाहें तो इसे ग्रिल करके खाएं, चाहे आप इसे रॉ खाएं, आपके ऊपर है। अच्छे से हम इसे प्रेस करेंगे, हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड रखेंगे। नेक्स्ट हम ब्रेड लेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे अगेन नेक्स्ट हैवी को एंड इसके साथ मिल्क टी एंड कॉफी आप ले सकते हैं, एल्स बटर मिल्क। फॉर एग्जाम्पल आपको कोल्ड सैंडविच खाने का मन नहीं है, आपको और अदर सैंडविचेस खाने का मन है, मेरे चैनल पर बहुत सारे सैंडविचेस की रेसिपीज हैं, आप इनमें से कोई भी सैंडविच अपने हिसाब से आप पिक कर सकते हो। नेक्स्ट इज कि आपको सुबह का सैंडविच खाने का भी मन नहीं है, आप ब्रेड्स के एंटी होगी, मैं तो ब्रेड्स नहीं खाऊंगी, मेरे चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज है स्टफ रोटीज की, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ स्टफ रोटीज की रेसिपीज, आप इनमें से कोई सी भी पिक कर सकते हैं। इसको बाउल ऑफ कर्ड या फिर मिल्क टी एंड कॉफी के साथ आप अपना ले सकते हैं। बट मेक श्योर मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में अगर आप रोटी ले रहे हैं देन उसके साथ 1 चम्मच घी या घर का बना हुआ मक्खन ज़रूर लेंगे, आप डेफिनेटली अपनी डाइट में मॉर्निंग में ऐड करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि मुझे ये सब भी नहीं खाना यार, मैं तो सुबह नहीं ले सकती ये सब चीज़ें, मुझे कुछ हैंडी दे दो, सो ओवरनाइट ओट्स, ये रही सारी रेसिपीज, चिया पुडिंग, ठंडे ठंडा चिया पुडिंग, ये रहा रेसिपी, आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं, आप इसको लेके जा सकते हैं। अनदर पार्ट, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सुबह कुछ फटाफट खिचड़ी टाइप दे दो, क्विक दे दो ताकि मैं कुकर में विसल लगाऊं और मैं भाग के जाऊं, देन मेरे चैनल पे खिचड़ीज की रेसिपीज हैं, आप इनमें से कोई भी खिचड़ीज आप पिक कर सकते हैं, डब्बे में डाला और रस्ते में अपना खाते हुए चले, बट मेक श्योर आपका ब्रेकफास्ट लेट नहीं होना चाहिए, स्किप नहीं होना चाहिए। अब शिफ्ट करते हैं हम अपने आप को मिड ब्रेकफास्ट में। मिड ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग होना चाहिए 10 टू 11 के बीच में। अब जहाँ पे मैं बात करती हूँ 10 टू 11 के बीच में, लोग 11:30 खाना खाते हैं या 11 बजे मेरे मेंबर्स लेते हैं कि हम ले तो वही रहे हैं ना, काटा रॉन्ग। मेक श्योर आप 10 से 11 का अगर टाइम बता रहे हैं तो 10 बजे आप अपना इसको खत्म कर लो, 11 तो डेड एंड है ना, लास्ट टाइम दिया हुआ है आपको। सो ऐसी सिचुएशन में हम लेंगे यहाँ पे आम पन्ना। आम पन्ना बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छी ड्रिंक है, बॉडी को शांत रखने की, कूल रखने की, इस इतनी तेज़ गर्मियों में अपने आप को हीट से बचाने की, और ये बहुत ईजी है। कैसे बनाना है चलते हैं किचन में। अब हम बनाने जा रहे हैं मिड ब्रेकफास्ट का आम रस। ये है मेरे पास कच्ची अम्बी, मार्केट में बहुत अच्छी कच्ची अम्बी आ रही है, संजना ने पहले ही हमारी बॉईल कर दी है। सी मेरे छिलके कच्ची अम्बी के, ओके यहाँ पे है हमारे पास कच्ची अम्बी बॉईल किया हमने अच्छे से, उसको हमने मैश भी कर दिया, अभी ये बहुत गर्म है, इसको मैश करके ना बॉईल करके पेस्ट बना के आप फ्रिज में लगा दो, और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे अभी हम बताते हैं। सो ये रहा मिड ब्रेकफास्ट का जुगाड़, ये डाला 1 गिलास ठंडा पानी ले लो, मटके का पानी ले लो, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लो, उसमें डाला मैंने 1 चम्मच हनी। नेक्स्ट ये है मेरा अम्बी का पेस्ट, और ये हम इसमें मिक्स करेंगे 1 चम्मच इतना, ओके। एंड
एंड दिस ड्रिंक इज रेडी। इसके साथ कोई भी एक सीजनल फ्रूट आप पिक करेंगे जो इजीली आपके एरिया में मिले। आप इसके साथ मस्क मेलन ले सकते हो, बाउल ऑफ वाटरमेलन भी ले सकते हो, अप टू यू। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जी लंच की। लंच में हम लेंगे प्रोटीन रिच सैलड्स। अब इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, किस किस तरीके की चीज़ें ले सकते हैं। लंच का जो टाइमिंग होगा वो रहेगा हमारा 12:30 बजे से लेके 2 बजे तक का। अब 2:30 बजे जो लोग लंच करेंगे और अगले सुबह अपना वेट चेक करेंगे तो वो कहेंगे जी हमारा वेट तो गिरा ही नहीं, क्योंकि 2 बजे तो डेड एंड है ना, आप उसके भी नीचे वाले टाइमिंग पे खा रहे हो। सो मेक श्योर आपका जो लंच होगा वो 12:30 से 1 बजे के बीच में हो जाए। इनकेस वो मिस हो गया तब हम 2 बजे शिफ्ट करेंगे ना खुद को। तो यहाँ पे हम लेते हैं लोबिया का सैलेड। लोबिया का ठंडा सैलेड कैसे बनेगा, चलते हैं किचन में। नेक्स्ट, अब हम बनाने जा रहे हैं लंच। लंच में मेरे पास है 1 कटोरी बॉइल्ड लोबिया। इसमें नमक नहीं डाला था, ऐसे ही मैंने बॉईल करा, इसे रात भर सोक करके रखा था। नेक्स्ट इसमें मैं डालूंगी कद्दूकस किया हुआ बीट रूट, 1 चम्मच, 2 चम्मच। नेक्स्ट थोड़ा सा कुकम्बर, आधा खीरा। नेक्स्ट प्याज। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा टमाटर। टमाटर के आप देखोगे तो मैंने सीड्स रिमूव कर रखे हैं, मैं ऑलवेज इसके सीड्स जो है वो रिमूव करती हूँ। टमाटर। नेक्स्ट इसके ऊपर मैं डालूंगी मेरा नींबू। नमक आपकी मर्जी है, आप डालो, हम तो बिना नमक के चला लेते हैं जी। इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे सैलेड इज रेडी। फॉर एग्जाम्पल आपको ये खाने का मन नहीं है, जी मैं तो नहीं ले रही लोबिया, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ब्लैक चना का सैलेड, ये रही रेसिपी मेरे चैनल पे। या फिर टिक्कीज, मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारी टिक्कीज की रेसिपीज डाली हुई हैं। आप 2 से 4 टिक्की अपने साथ कैरी करो। इन सब में चना, दाल, ब्रोकली, पनीर सब कुछ है इन टिक्कीज में, एंड बहुत ही रिच प्रोटीन वाली टिक्कीज हैं। बहुत ही रिच प्रोटीन वाला हम अपना लंच करेंगे एंड उससे हम बिल्कुल एक्टिव भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे, और हमको डिजीनेस और लेजीनेस नहीं रहेगा ना, और हम बिल्कुल भी ना उबासी नहीं मारेंगे। गर्मियों में प्रॉब्लम होती है ना, और लंच करने के बाद नींद आ जाती है, तो ये सब चीज़ें नहीं करने का। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि लंच में सॉल्ट डलेगा। क्विक टिप, अगर मान लो आपको फास्ट वेट लॉस चाहिए, बहुत अच्छे से आप चाहते हो कि यार फटाफट चीज़ें सेटल हो जाएं, गिरे, अगर आपको बीपी लो का प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्ट जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे लंच में। बट अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैं सॉल्ट के बिना नहीं रह सकती एंड मेरे को वीकनेस आने के चांसेस हैं, देन आप प्लीज़ उसमें सॉल्ट ऐड कीजिए लंच में। अब हम बात करते हैं इवनिंग ड्रिंक की। इवनिंग ड्रिंक के अंदर मैं यहाँ पे अगेन आपको दूंगी एक पील टी, ऑरेंज की पील टी विथ लिटिल ट्विस्ट समर्स के हिसाब से। सो कैसे बनानी है, चलते हैं किचन में। यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं इवनिंग टी, इंच लॉस टी बेसिकली। यहाँ पे मुझे चाहिए पील। अब पील किस किस का चाहिए मुझे? मुझे चाहिए आम का पील, अंबी का पील, जो भी हमें मिल जाए, एंड संतरे का पील। संतरा, कीनू, माल्टा, आपको जो भी आपके एरिया में अच्छे से मिल रहा हो आप वो ले सकते हैं। ओके, 1 ऑरेंज का पील चलेगा, ये हम साथ में एज अ स्नैक खाएंगे। यहाँ पे मैंने अंबी का पील रख रखा है, आप देखो तो इसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज आपके पास मैंगो जो आएगा घर में, उसका जो पील निकालेंगे अच्छे से वॉश करके, ड्राई करके, आप उसको सेव करके रखेंगे, उसके पील का हम यूज़ करेंगे। अब हम बनाते हैं टी। ये बॉइल हो रहा है हमारा पानी, इसके अंदर हम डालेंगे मुट्ठी भर पील हमारा संतरे का, और ये रही मेरे पास दूसरा पील हमारे अंबी का, मैंगो का भी पील चलेगा। इन सबको हम खूब अच्छे से बॉईल करेंगे अभी अच्छे से। अब जैसे ये बॉईल हो रहा है, इसके अंदर मैं डालूंगी पिंच ऑफ मेरे सौंफ। इसके साथ आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं, बट मेक श्योर उसमें हम मेलन्स की फैमिली ऐड नहीं करेंगे। या तो हम ऑरेंज लेंगे, एप्पल लेंगे, बनाना लेंगे, पियर लेंगे, ग्रेप्स लेंगे और कीवी, बट उसके साथ हम मेलन्स नहीं खाएंगे इवनिंग में। अब बात करते हैं कि इवनिंग टी का टाइमिंग क्या रहेगा, 4 to 5:30। अब यहाँ पे ये गलती मत करना कि 6 बजे इवनिंग टी जा रही है। बहुत सारे मेंबर्स मेरे पास ऐसे हैं एंड ट्रस्ट मी, मेरे पेशेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदे को मेरी भाषा समझ नहीं आ रही है। एक बारी में, दो बारी में, तीन बारी में, चौथी बारी में बात ही नहीं करती, मैं उसको बैच से बाहर करती हूँ एंड मैं उसको बोलती हूँ अपने पैसे वापस ले और मेरा बैच खाली कर, क्योंकि दिमाग मेरे को लगता है वहाँ लगाओ जिसको एक बारी में बात समझ आ रही है। हर कोई, हम लोग पढ़े लिखे हैं, रोटी सब्जी खाते हैं। मैंने पिछले
हफ्ते मेरे ख्याल से बहुत ही डीट किस्म के लोगों को बैच से बाहर किया जिसको हमारी भाषा ही नहीं समझ आती कि मील के पिक्चर्स मुझे टाइमिंग पे चाहिए। एनीवेज मैं यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ अपनी। सो पॉइंट इज कि यहाँ पे हम बात करते हैं इवनिंग टी के टाइमिंग्स की। 6:30 बजे इवनिंग टी नहीं करने का, 4 to 5:30 बोला तो 4 o'clock इवनिंग टी खत्म करने का, फिनिश। अगर आप इवनिंग टी को ज़्यादा लंबा शिफ्ट करोगे देन आपका डिनर शिफ्ट होगा, तब आपकी नाइट ड्रिंक शिफ्ट होगी और सुबह का वेट जो है गिरने के बजाय बढ़ जाएगा, टाइमिंग मिसमैच होगी ना। सो 4 बजे के आसपास हम अपनी इवनिंग टी लेंगे और उसके साथ लेंगे हम स्नैक्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिनर की। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा थके हारे आते हैं, बहुत ज़्यादा उनको काम का बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, घर आके अब वो बोले यार हम डाइट का क्या खाना खाएं, बिल्कुल नहीं खाने का मन ना। तो हम यहाँ पे लेंगे मटर पनीर की एक ग्रेवी वाली सब्जी, एक कटोरी भरकर उसके अंदर खूब सारा हम अपना सैलेड डालेंगे एंड वो हम खाएंगे। कैसे बनाना है मटर पनीर, चलते हैं किचन में। ओके जी, यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं डिनर। ये लिया मैंने तेल, मेरा पैन जो है गर्म हो रहा है। नेक्स्ट इसमें डालूंगी मैं मेरा जीरा, हम पकने देंगे। नेक्स्ट ये रहे मेरे पास अनियन, ये डाल दी मैंने इसमें अनियन। नेक्स्ट ये रहे मेरे पास ग्राइंड किए हुए 4 टमाटर, ये हमने डाल दिए इसमें। इसमें हम डालेंगे पानी, हमारी मम्मी लोगों का ट्रिक सामान वेस्ट नहीं करने का। ओके, खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालेंगे हमारा हल्दी। नेक्स्ट सॉल्ट, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, खूब अच्छे से इसको अब हम मिक्स करेंगे। ये रहे मेरे पास मटर, मुट्ठी भर मटर हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसको हम पकने देंगे 5 मिनट के लिए बस। ओके, सो ऑलमोस्ट रेडी है हमारी ग्रेवी। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारी 1/2 किलो जितना पनीर, बिकॉज ये 2 बंदों के लिए बन रहा है, मैं और संजना। 2 मिनट हम इसको और पकाएंगे। वेलकम बैक जी। फॉर एग्जाम्पल आपको मटर पनीर खाने का मन नहीं है, मैं नहीं लेना चाहता हूँ मटर पनीर। मेरे चैनल पे ना पनीर की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मखाना पनीर की रेसिपी है, ग्रिल्ड पनीर की रेसिपी है, पनीर ब्रोकली की रेसिपीज़ हैं, आप इनमें से कोई भी आप पिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा लथार्जिक हो रहे हो, मुझे कुछ भी कुक नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं बनाना, तब हम क्या करें? पनीर और घिया की रेसिपी, सेकेंड लगता है कुकर में विसल लगाने में, इतनी आलस तो नहीं करेंगे ना हम। नेक्स्ट अगर ये भी सब खाने का मन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बाउल ऑफ पपाया वो आप ले सकते हैं, बट मैं कहूँगी उसको माइनस में रखना कम से कम टाइम पर। नेक्स्ट अगर ये भी सब चीज़ें नहीं चलती, आप दाल सैलेड पिक कीजिए, मेरे चैनल पे बहुत सारी दाल सैलेड्स की रेसिपीज़ है, आपको वो भी नहीं लेना हटा दो। मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ है स्मूदीज़ की, ठंडी ठंडी चिल्ड स्मूदीज़। अगर समर्स का मन है और आप मैंगो शेक ना पियो तो कैसे चलेगा? सो यहाँ पे मैंगोज़ की बहुत सारी मेरे पास स्मूदीज़ हैं एंड सेकेंड में बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल लगा लो 1 से 2 मिनट का काम है, स्मूदीज़ ब्लेंड किया, सामान डाला, ब्लेंड करा, ठंडी ठंडी आइस डाली और पी ली, इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी, टमी भी फुल हो जाएगा, भूख भी नहीं लगेगी और बहुत अच्छे से डाइट चलेगी और वेट लॉस अमेजिंग। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं नाइट ड्रिंक। ये रही मेरे पास कटवी और इसके अंदर मेरे पास है फ्रेश एलोवेरा का जेल निकला हुआ। नहीं है घर पे एलोवेरा का प्लांट तो लेकर आओ। सो ये मैंने डाला है 1 चम्मच जितना मेरा फ्रेश एलोवेरा इसके अंदर। इसके अंदर अब मैं डालूंगी मेरा 1/2 कप जितना पानी और ताज़ा बनाएंगे रोज, स्टोर करके मत रखना, गर्मियां हैं, पी लिया स्टोर किया हुआ इन्फेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट ये रहा मेरे पास हैंड ब्लेंडर, ये तो बहुत हैंडी है, सबके घर में होता है आई एम श्योर। और ये हमने लगाया यहाँ पे ब्लेंडर, ये रहा जूस एलोवेरा का बन गया बढ़िया से हमारा।
ये रहा मेरा एलोवेरा जूस एंड इट्स रेडी। इसको गर्मियों में हम गर्म करके नहीं पियेंगे, एज इट इज़ लेंगे, बहुत ज़्यादा हीट होगा, गर्मी होगा पहले से ही। अगर बारिश बीच में आ जाती है स्टिल आप ये प्लान फॉलो करें, इसको हल्का सा गर्म करके लेंगे हम एंड इट्स रेडी। अब बात होती है कि नाइट ड्रिंक बंदा गप्पे मार रहा है फैमिली के साथ, कोई सीरीज चल रही है नेटफ्लिक्स पे, चलती चली जा रही है और उसके बाद भी ऐसा होता है कि यार अब 12 तो बज गए ना, एक एपिसोड और या फिर एक एपिसोड और कर करके 2 बज गए, नाइट ड्रिंक की मिस हो गई। मैं बता रही हूँ केसेस जो मेरे पास मेंबर्स करते हैं, बड़े शाणे हैं ये सारे लोग, उनको लगता है मेरे को पागल बना देंगे, पागल बनने वाली चीज़ नहीं हूँ। बट एनीवेज अगर नाइट ड्रिंक आपको मिस हो गया है 9, 9:30, 10 बजे, उसके बाद उसको मत लो, उसके बाद उसको मत लो। 10 बजे अगर आपको फोकस होकर चलना है कि हाँ जी हमको फोकस होकर चलना है, 10 बजे अपना लिया नाइट ड्रिंक, फ़ोन अपना साइड करा, जो फैमिली मेंबर से बात की करी और सो गया बंदा। इसके बाद आपकी अगर नेटफ्लिक्स की सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपके साथ आपके रोमांस वाली टॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप कॉलों पर रात रात भर करते हो, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा बच्चे। सो ये है पूरा चार्ट। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल और मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत अच्छा वेट लॉस हो जाएगा। टैग करना मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स के साथ, एंड यस आपका बहुत अच्छा बेली फैट भी लूज़ होगा इन सब के साथ। डिटॉक्स वाटर कौन कौन सी यूज़ करनी है समर्स में और कैसे कैसे यूज़ करनी है मेरी अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी। एंड मेक श्योर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेने का, जो स्ट्रेस देता है उसको बाहर कर दो, उसको अपनी लाइफ से निकाल दो, नेगेटिव लोगों को, कौन कहाँ क्या किधर क्या सोचता है, बिल्कुल दिमाग पे लोड नहीं लेने का एंड अपनी लाइफ को अच्छे से इन्जॉय करने का। सो या दैट्स इट, आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, सो टेक केयर जी, बाय बाय।